हेलो तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम टेन मिनट रिविजन सीरीज में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दस मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन करेंगे वीडियो एंड तक देखना ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन तो सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल होता क्या है किसी भी इंसान के अंदर जो उसका नॉलेज का स्टॉक है ना वही ह्यूमन कैपिटल है कोई भी इंसान किसी भी टैलेंट को किसी भी स्किल्स को जानता है जिससे वो अर्निंग कर सकता है जिससे वो लोगों का भला कर सकता है सोसाइटी का पूरे वर्ल्ड का भला कर सकता है उसका टैलेंट वो स्किल्स वही ह्यूमन कैपिटल है अगर मेरे पास गाड़ी है वो फिजिकल कैपिटल है मशीन है वो फिजिकल कैपिटल है मैं मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है ये बोर्ड है मेरे पास ये फिजिकल कैपिटल है लेकिन जो मेरा टैलेंट है मेरा स्किल्स है जो मेरा पढ़ाने का तरीका है जो आपको अच्छा लगता है इसके साथ वीडियोस को देखते हो वो मेरा टैलेंट कहलाता है क्लास ह्यूमन कैपिटल और दोनों ही जरूरी है फिजिकल कैपिटल भी और ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करूं ह्यूमन कैपिटल की इंटेंजिबल है मेरा टैलेंट मेरा, 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 मेरा स्किल्स देखा नहीं जा सकता अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो कह नहीं सकता कोई कि भाई जो नहीं जानता हो कि ये क्या चीज पढ़ाता है किस चीज का टीचर है तो ये इंटेंजिबल है कंपनी की बैलेंस शीट में कभी नहीं आता कंपनी की बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक डेटा सब कुछ आता है लेकिन क्लास ह्यूमन कैपिटल नहीं आता जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट

फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फ़िजिकल कैपिटल की अगर हम बात करें तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सारी चीज़ें फिजिकल कैपिटल है जिनसे आप पैसा कमाते हो इसको आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है फिजिकल कैपिटल जो है वो आपसे अलग रह सकता है आप कहीं और आपकी मशीन कहीं और ऐसा हो सकता है लेकिन जो ह्यूमन कैपिलेट आपका टैलेंट आपका स्किल्स इसे मार्केट से ख़रीदा नहीं जा सकता है. इस पर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसको बनाने के लिए और ये जो ह्यूमन कैपिटल ये आपसे अलग नहीं हो सकता जहाँ जहाँ आप जाओगे आपका टैलेंट आपका स्किल्स आपके साथ जाएगा और आप इसे पैसे देकर नहीं खरीद सकते हम बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये सब चीज़ें पैसे देकर खरीद सकते हैं लेकिन क्लास हम किसी का टैलेंट किसी का स्किल्स पैसे देकर नहीं खरीद सकते हम पैसे देकर सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं खेल सकते ना विराट कोहली जैसा और ना ही क्लास लता मंगेशकर जैसा हम गाना गा सकते हैं सिर्फ पैसे देकर इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए होता है क्लास कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है तब जाके ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है और क्लास फिजिकल कैपिटल आप पैसों से खरीद सकते हैं बट फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों ही साथ जरूरी है अगर एक अच्छा पायलट है उसके पास अच्छी स्किल्स है हवाई जहाज उड़ाने की तो ये है क्लास ह्यूमन कैपिटल लेकिन उसके पास अच्छा प्लेन भी होना चाहिए अगर

है, जो इंसान क्लास मजबूत बनाता, बनाता है तो बात है, और हेल्थ, काम नहीं पढ़ा सकता कोई भी क्लास क्रिकेटर हो उसकी तबीयत खराब है फिटनेस अच्छी नहीं है तो वो क्लास खेल नहीं पाएगा अच्छा सिंगर अच्छा पॉलिटिशियन क्लास साइंटिस्ट हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो अगर तबियत ही सही नहीं है तो क्लास उसका टैलेंट उसका स्किल किसी काम का नहीं है दूसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन परफॉर्म करना है तो वर्कर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी आप चाहते हो आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे तो आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वर्कर को ट्रेनिंग दोगे तभी वो आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन आपके टैलेंट की कदर यहाँ नहीं है गाँव में तो आप शहर जाके काम कर सकते हैं बहुत सारे लोग गाँव से शहर माइग्रेट कर जाते हैं माइग्रेट इसलिए करते हैं कि उनके टैलेंट की उनकी स्किल्स की गाँव में कदर नहीं है काम नहीं है वहाँ पर लेकिन शहर में काम है उनके टैलेंट उनके स्किल्स की वहाँ पर कदर है वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं लेकिन माइग्रेशन के टाइम पर हमेशा ध्यान रखना क्लास कि आप यहाँ पर वहाँ जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी आएगा यहाँ का स्टैंड ऑफ लिविंग अलग है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है इसी तरह से जो लोग डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जो इंडिया से बाहर देशों में चले जाते हैं क्लास उनको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन और इससे कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है उन इंसानों को फ़ायदा होता है एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन आजकल का जमाना ऐसा है कि हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाता है पहले टाइम पे लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती था आजकल सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है कहां पर अच्छी जॉब अवेलेबल है क्या सैलरी है बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है सब कुछ आप ऑनलाइन रिसर्च कर लेते हो कौन सा बेहतर मोबाइल फोन है उसका फीचर क्या है ये सारी चीजें क्लास आप ऑनलाइन

ऑफ मेडिकल रिसर्च आपने बहुत नाम सुना होगा कोविड के टाइम पे इंपोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहला है रेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल अगर आपका टैलेंट स्किल्स बेहतर है तो आप फिजिकल एसेट की भी अच्छे से केयर कर पाओगे मैंने एग्जाम्पल दिया अगर पायलट अच्छा है तो जहाज की भी केयर अच्छे से कर पाएगा ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी की भी केयर अच्छे से कर पाएगा ह्यूमन कैपिटल रहेगा तो फिजिकल कैपिटल की अच्छे से केयर कर पाएगा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा एक वर्क इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी टैलेंटेड पर्सन जो होता है भले वो कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन क्लास वो पॉजिटिव रहता है उसके अंदर पॉजिटिविटी रहती है क्लास उसका कॉन्फिडेंस रहता है मैं कर लूंगा कोशिश करूंगा अचीव करने की ट्राई करूँ पाऊंगा और एक नेगेटिव पर्सन ना ना नहीं कर पाऊंगा ये है सब बहाने ढूंढेगा ना करने के पॉजिटिव इंसान ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसके इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल है वो हमेशा क्लास सोचेगा मैं कैसे करूं ये नहीं सोचेगा मैं कैसे बचूं इससे रेजुक्केटिव पार्टिसिपेंट सोसाइटी सीधी सी बात है क्लास में सारे बच्चे अच्छे रहेंगे तो सब लाइफ में अच्छा करेंगे क्लास सोसाइटी में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कोई गरीब कोई अमीर नहीं होगा हर कोई क्लास इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा होगा फिजिक जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह से इन्वेंशन होते हैं नए नए आविष्कार होते हैं पुराने चीज़ों में इनोवेशन होते हैं नई नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है जो लोग नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं वो कंटिनुअस्ली कई कई साल तक रिसर्च करते हैं थॉमस एल्वेडिसन ने बल्ब बनवाया था कई सालों का रिसर्च किया था कई बार फेल हुए थे तब जाके रिसर्च करके वो टैलेंट स्किल्स था तो आपका टैलेंट आपके स्किल्स से नई नई चीज़ें तभी आविष्कार होंगी हायर इनकम सीधी सी बातें आपके अंदर टैलेंट रहेगा स्किल्स रहेगा कोई भी चीज आप जानते हो अच्छी कॉमेडी अच्छी डांसिंग अच्छा रोस्ट करना जानते हो अच्छा पढ़ाना जानते हो अच्छा खाना पकाना जानते हो तो भैया आपका टैलेंट आपका स्किल्स है आप लोगों को दिखा के अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे फैमिलीज़ है उनकी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी फैमिली थोड़ी छोटी रहती है एज कंपेयर टू जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनकी फैमिली बड़ी रहती है तो ऑब्वियसली क्लास एजुकेशन एक ऐसा ऐसा ऐसी चीज से क्लास हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है सर प्रॉब्लम ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनसफिशेंट रिसोर्सेज सरकार के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है ना प्रॉपर स्कूल्स हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल है ना ही क्लास प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चा नाइन्टी परसेंट लाने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता है हमारे यहाँ नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन वालों को भी कई बार कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है मोर पॉपुलेशन जनता बहुत ज्यादा है सरकार अगर स्कूल कॉलेज खुलवाती है सब में भीड़ सब में भीड़ के भी में जाने के लिए बच्चों को सीट नहीं मिलती बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पोवर्टी गरीब है अभी कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को कई बार माता पिता कहते हैं भैया इतने गरीब है हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चा जाकर नौकरी करके कुछ पैसे कमा के

कई सॉरी अभियान सरकार चलाती है कि क्लास सरकार उसको प्रमो लोग जो है वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते आज भी हालांकि ये, ये चीज़ें बहुत खत्म हो रही है लेकिन अभी भी ये चीज़ है क्लास कम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते पूर्व परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल के हालात देखो क्लास ना पढ़ाई है ना बुक्स है ना खाना पीना कुछ भी नहीं है सरकारी टीचर जो है वो किसी और को भेज देते हैं अपनी जगह और खुद कहीं और काम करते हैं तनख्वाह उठाते हैं पचास हज़ार उसको दे दिया चालीस अपना तो यानी कि सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है हर जगह दिल्ली जैसा नहीं है और बहुत सारे स्टेट हैं सरकारी स्कूल की हालत क्लास बहुत सारी जगह अच्छी नहीं है पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी बेरोजगार हो जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही तो इंसान ऐसा क्या करे ताकि नौकरी मिले इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की बात करें सिस्टम की बात करें तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है पाँच साल से लेकर चौबीस साल तक की जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा है इस तक कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में तो गवर्नमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ पर अच्छा खासा पैसा खर्च करे तो भैया गवर्नमेंट हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है यूथ अगर तरक्की करेगा यूथ पढ़ा लिखा रहेगा समझदार रहेगा तो यूथ बहुत आगे ले जा सकता है देश को एक इंसान अगर पढ़ा लिखा समझदार रहता है तो उसके सारे चार पांच लोग पल जाते हैं सोचो इस तरीके से अगर हर दूसरा इंसान भी पढ़ा लिखा रहेगा अच्छे से काम करेगा स्किल्स रहेंगी उसके अंदर सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं एक्चुअली में रियल में सिर्फ डिग्री नहीं एक्चुअली में वो कुछ काम जानता हूँ नेक्स्ट है क्लास सरकार दो तरीके से खर्च करती है जब सब सबसे पहले सरकार अपना टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का एक्सपेंडिचर उसका एक टोटल फिक्स परसेंटेज खर्च करती है या जी का परसेंटेज खर्च करती है एजुकेशन जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए क्लास तो सरकार अभी भी जो खर्च कर रही पे, वो बहुत कम है एजुकेशन पर पेरेंट अपने सैलरी का लगभग पच्चीस खर्च कर देता है एजुकेशन पर जबकि क्लास सरकार अभी सिर्फ पंद्रह परसेंट खर्च करती है इवन जी डी पी का फोर पॉइंट वन थ्री विच इज वेरीस एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको क्लास ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहिए स्कूल्स में आ, जो कंप्यूटर लैब्स हैं या फिर जो अलग अलग साइंस लैब होते हैं आ, वो सारी चीज़ें क्लास होनी चाहिए टीचर्स भी टाइम पर बच्चे भी आएँ पढ़े लिखे तो वो फ़ायदा है बहुत सारी जगह क्लास पढ़ाए ऐसा ना गाँव में तो सरकारी स्कूल ही होते हैं वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट करो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करो इसके लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का अधिकार सबको दिया इसके लिए क्लास सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया दो हज़ार में और इसको लॉन्च किसने किया था क्लास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने provision for free and क्लास कंपल्सरी एजुकेशन ध्यान समझना हमारे इंडिया का रूल है कि छह से लेकर चौदह साल तक के बच्चे को एजुकेशन देना कंपल्सरी है मतलब तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा इट्स मैंडेट्री वो जाके सरकारी स्कूल में पढ़े ना फ्री में सरकार अंडा भी देती है खाने के लिए दाल चावल भी देती है खाने के लिए भी पढ़े बस स्कूल जाए दो में क्लास सरकार ने क्लास राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्ट लेके आई जिसके अंदर क्लास फ्री एजुकेशन और ये फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का क्लास फंडामेंटल राइट है कि उसे एजुकेशन मिलना चाहिए इसके लिए क्लास इंडिया क्या करती है दो का एजुकेशन सेस लेती है जितने भी यूनियन टैक्सेस है इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है उसमें दो परसेंट का सरकार सेस लेती है और गवर्नमेंट सेंक्शन लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इवन जो हायर एजुकेशन है क्लास उनके लिए लोन देना उनकी स्कीम्स को प्रमोट करना एजुकेशन के लिए सरकार प्रमोट तो करती है बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ फॉल्ट है और क्लास हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम अभी हैं जिसकी वजह से लोग पढ़ लिख नहीं पाते और देखो आप ही क्लास में देख लो सबके माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते क्लास में टीचर पढ़ा रहा है बच्चा अपनी मस्ती कर रहा है कुछ यहां वहां लिख रहा है टाइम पास कर रहा है यहाँ वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं लाइव बच्चा कमेंट में यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ लड़कियों के नंबर मांग रहा है इंस्टाग्राम के नंबर मांग रहा है विनोद लिख रहा है कुछ कर रहा है तो ये है हमारा यूथ जो यहाँ की तरफ भाग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ के रील्स में अपना टाइम पास करना घर वाले पढ़ा रहे हैं मेहनत से लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है बच्चा सोच रहा है मैं अम्बानी हूँ तो यार ये सब चीज़ों की वजह से क्लास हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है और जिसके लिए क्लास काम करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी खैर इस चैप्टर में इतना ही था बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं इंपोर्टेंस और सोर्सेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपोर्टेंस सोर्सेस और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना नीचे कॉमेंट में बताना कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ तब तक टेक बाय बाय इस वीडियो को अपने सारे एक एक दूसरे तक तो पहुंचाना जरूर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में